हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर 2 फॉर ओ लेवल एग्जामिनेशन। जो एग्ज़ाम आपका सितंबर में होने वाला है उसके रिगार्डिंग आज हम गेस्ट पेपर 2 डिस्कस करेंगे। और आज हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, मतलब मॉड्यूल M3R5 के बारे में। तो आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट टाइम मॉड्यूल M3R5 इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे सिलेबस में, तो हमारे पास कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होने वाले हैं। लेकिन क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पैटर्न हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चूज़ करे हैं जिनको पढ़ के हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो आज मैं बात करूँगी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो पैटर्न फॉलो करता है नीलिट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, उसी सेम पैटर्न पे मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इन पाइथन? तो लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखिए, आप सब लोग जानते हैं पाइथन क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह इसके अंदर भी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। तो पाइथन में क्या होते हैं, 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि सी में क्या होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा, ऐसे ही पाइथन लैंग्वेज में भी 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होते हैं और उसी में से 2 डेटा टाइप्स यहाँ पे पूछे हुए हैं, दैट इज़ लिस्ट एंड टपल, ठीक है। तो इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 कौन से होते हैं इसे जान लेते हैं। वो 5 होते हैं नंबर, देन स्ट्रिंग, देन डिक्शनरी, एंड लिस्ट और टपल। तो ये 5 टाइप ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब यहाँ पे पूछा है क्या डिफरेंस होता है लिस्ट और टपल में। तो लिस्ट एंड टपल इन पाइथन आर द क्लास ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, द लिस्ट इज डायनेमिक वेयर एज टपल हैज अ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो लिस्ट क्या होती है, डायनेमिक होती है, मतलब लिस्ट में हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन टपल में हम चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि टपल के पास क्या होते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं लिस्ट क्या होता है। देखिए, आप लोग जानते हैं जैसे कि सी या सी प्लस प्लस में क्या होता है, इंट होता है, कैर होता है, फ्लोट, डबल, इस टाइप के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं डेटा के। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नंबर होता है आपके इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लोट वैल्यू के लिए, स्ट्रिंग होते हैं करेक्टर्स के लिए, और लिस्ट और डिक्शनरी होते हैं आपके एरे टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। और डिक्शनरी में क्या होता है, पेयर्स होते हैं, कीज़ और वैल्यू के पेयर्स होते हैं डिक्शनरी के अंदर, ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिस्ट के बारे में। तो एक बार समझते हैं लिस्ट होती क्या है। लिस्ट आर जस्ट लाइक द एरेज डिक्लेयर्ड इन अदर लैंग्वेज। तो जिस तरीके से एरे डिक्लेयर होते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, उसी तरीके से लिस्ट काम करती है यहाँ पे। अब एरे क्या होता है, एरे होता है एक डेटा स्ट्रक्चर जो कि होमोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, मतलब सारे एलिमेंट्स जो भी उसके अंदर रहने वाले हैं वो सारे सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन अब लिस्ट में क्या नया है यहाँ पे, ये जानते हैं। तो लिस्ट नीड नॉट टू बी होमोजीनियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है कि लिस्ट एरे की तरह तो काम करती है लेकिन लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होमोजीनियस हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, कोई कंपल्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ऑलवेज विच मेक्स इट अ पावरफुल टूल इन द पाइथन, इसीलिए एरेस से ज़्यादा पावरफुल क्या होती है, लिस्ट होती है।
In Python, the list is a type of container in data structures which is used to store multiple data at the same time. ठीक है, तो list का जो main usage है वो क्या होता है, ये एक container की तरह act करती है, मतलब एक ऐसा कंटेनर जिसमें हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक ही पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है जी, लिस्ट आर अ यूजफुल टूल फॉर प्रिजर्विंग अ सीक्वेंस ऑफ डेटा एंड फर्दर आइट्रेटिंग ओवर इट. अब देखो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस ऑफ डेटा, जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपने एलिमेंट्स को लिखा है वो सीक्वेंस यहाँ पे मेंटेन रहता है और फर्दर हम उन एलिमेंट्स पे आइट्रेशन करके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है लिस्ट का, तो कुछ इस टाइप से हम लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं. यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, ये क्या होता है स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे लिस्ट डेटा, ये लिस्ट का नाम है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि माई लिस्ट, योर लिस्ट, द लिस्ट, तो कोई भी नाम आप डाल सकते हो. और यहाँ पे आपको जो एलिमेंट्स डालने हैं वो आप लिखोगे सिंगल कॉलन में. ठीक है, और कॉमा से सेपरेट करोगे आप. ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं टपल के बारे में. टपल इज ऑल्सो अ सीक्वेंस डेटा टाइप. देखिए टपल और लिस्ट दोनों ही सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं, मतलब इनके अंदर जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहता है. दैट कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स बट आर इम्यूटेबल इन नेचर. देखो लिस्ट और टपल में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जो टपल होते हैं वो इम्यूटेबल इन नेचर होते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपका मैच द फॉलोइंग में भी या फिर MCQ में भी. ठीक है, तो इम्यूटेबल को समझते हैं पहले. इम्यूटेबल और म्यूटेबल दो टर्म्स होती है. ठीक है, वेट, तो हमारे पास दो टर्म होती है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल. अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, वो डेटा टाइप्स जिनमें क्या कर सकते हैं हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं. देखो पाइथन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स जो स्टोर होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट्स की तरह काम करते हैं. ठीक है, तो हम बोलते हैं पाइथन ऑब्जेक्ट. तो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर दें लेकिन उनकी आइडेंटिटी चेंज ना हो पाए तो इसका मतलब है वो म्यूटेबल है. ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट्स चेंज हो जाए लेकिन उनसे जुड़ी जो आईडी है, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी होती है. ठीक है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है और उसके साथ उसकी आइडेंटिटी होती है. तो जब हम ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना होए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं म्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा. ठीक है, और जब हम बात करते हैं इम्यूटेबल की, तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते बिना उसकी आईडी को चेंज करे हुए. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पे आईडी को चेंज करना ही पड़ेगा. तो ये डिफरेंस होता है आपका म्यूटेबल और इम्यूटेबल में. इसीलिए हम बोलते हैं टपल क्या होता है, टपल के पास स्टैटिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्योंकि इसमें चेंजेस परफॉर्म नहीं हो पाते हैं. ठीक है, In other words, a tuple is a collection of Python objects separated by commas. ठीक है, तो tuple भी क्या होते हैं, Python objects का collection होता है separated by comma. The tuple is faster than list because of static in nature. ये भी एक important question बन सकता है. देखो tuple क्या होता है, list से ज़्यादा fast होता है क्योंकि इसके अंदर changes perform नहीं होते हैं बार बार, ये static in nature होता है. ठीक है, तो इसका syntax देख लेते हैं. tuple data is the name of the tuple और यहाँ पे हम square bracket ना use करके circular bracket का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जितने भी हमने objects इस्तेमाल करे हैं वो same वैसे ही करे हैं, single colon में और comma से separate करते हुए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इन पाइथन, क्या बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में. ठीक है, तो पहले मैं लिस्ट का शुरू करती हूँ पढ़ना. तो लिस्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, मतलब इसमें चेंजेस परफॉर्म हो सकते हैं. और नेक्स्ट क्या है आपका,
इम्प्लीकेशन ऑफ आइट्रेशंस इज टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जब हमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आइट्रेशन परफॉर्म करना होता है तो वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द लिस्ट इज बेटर फॉर परफॉर्मिंग ऑपरेशन सच एज इंसर्शन और डिलीशन। ठीक है, अब लिस्ट की खासियत क्या होती है, लिस्ट में से हम इजीली इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाते हैं। लिस्ट कंज्यूम मोर मेमोरी, ठीक है, क्योंकि लिस्ट डायनेमिक होती है, चेंजेस इसमें हो सकते हैं, इसीलिए ये क्या होती है, डायनेमिक होने के कारण ज़्यादा मेमोरी स्टोर करती है, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है। लिस्ट हैव सेवरल बिल्ट इन मेथड, लिस्ट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसके ऑब्जेक्ट्स को टेक केयर करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए। द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड एरर्स आर मोर लाइकली टू अकर। ठीक है, यहाँ पे एरर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब बात करते हैं टपल की। टपल आर इम्यूटेबल, मतलब यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ आइट्रेशन इज कंपेरेटिवली फास्टर, आइट्रेशन यहाँ पे फास्टर होता है। टपल डेटा टाइप इज अप्रोप्रिएट फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स। देखिए, अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को एक्सेस करना है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक्सेस मतलब उनकी वैल्यू को रीड करना, ठीक है, हम कोई इंसर्शन नहीं कर रहे, डिलीशन नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं, तो उसके लिए टपल एक बहुत अप्रोप्रिएट डेटा टाइप होता है। टपल कंज्यूम लेस मेमोरी एज कंपेयर टू लिस्ट, ये तो आपको क्लियर ही होगा। टपल डज नॉट हैव बिल्ट इन मेथड्स, तो टपल में क्या होता है, बिल्ट इन मेथड्स नहीं होते हैं जैसे कि लिस्ट में अवेलेबल होते हैं। इन टपल इट इज़ हार्ड टू टेक प्लेस, टपल के केस में एरर का आना या फिर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन टपल एंड लिस्ट। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है लिस्ट के लिए। टू एक्सेस द वैल्यूज इन द लिस्ट यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर स्लाइसिंग अलॉन्ग विद द इंडेक्स और इंडेसेस टू ऑब्टेन वैल्यू अवेलेबल एट दैट इंडेक्स। ठीक है, स्लाइसिंग का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन लैंग्वेज में। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्लाइसिंग। तो यहाँ पे क्या है, चाहे आपको लिस्ट यूज करनी हो या आपको टपल यूज करनी हो, एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आपको उनके इंडेक्स का यूज करके ही उसे आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने लिस्ट वन को डिफाइन कर दिया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स है। देखिए यहाँ पे देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है। ये क्या आपका स्ट्रिंग है और ये आपके नंबर है। तो लिस्ट में क्या होता है, होमोजीनियस एलिमेंट्स हो ऐसा कंपलसरी नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट वन है और लिस्ट टू है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं स्क्रीन पर आउटपुट को प्रिंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मैंने डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होने वाला है। तो लिस्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट में 0 और लिस्ट 1 0। अब इसका मतलब देखिए, लिस्ट में क्या होता है, जो आपके इंडेक्सेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। ठीक है, जैसे कि एरे में होते हैं सी या सी प्लस प्लस में, वैसे ही आपके लिस्ट में भी जो इंडेक्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। ये आप याद रखिएगा, 6 एंड 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बोला है लिस्ट वन का 0 इंडेक्स पे रखा हुआ एलिमेंट आपको एक्सेस करना है। ठीक है, सो टू एक्सेस वैल्यूज इन द लिस्ट यूज द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर स्लाइसिंग अलोंग विद द इंडेक्स और इंडेसेस टू ऑब्टेन द वैल्यू अवेलेबल एट दैट इंडेक्स। तो जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखकर इंडेक्स लिखते हैं उसे हम बोलते हैं स्लाइसिंग करना। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग करना। तो अगर मैंने यहाँ पे एक इंडेक्स लिखा है या फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, 2, 4, तो इसे मैं बोलूँगी स्लाइसिंग करना। ठीक है, स्लाइसिंग मतलब क्या होता है, पूरे आपका जो भी लिस्ट है उसमें से एक छोटा सा स्लाइस निकाल के उसको आउटपुट दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट वन 0 इंडेक्स पे जो रखी हुई वैल्यू है उसे मुझे एक्सेस करना है। तो देखो स्क्रीन पे क्या आएगा जब मैं इसे रन करूँगी, स्क्रीन पे आ जाएगा फिजिक्स। फिजिक्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो फिजिक्स है वो 0 इंडेक्स पे है। ठीक है, 1, 2 एंड 3। इसी तरीके से जब मैंने लिस्ट 2, 1 टू 5, तो स्लाइसिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, कॉलन का, इसे बोलते हैं कॉलन। तो 2 टू 4, अब यहाँ पे क्या होता है, जो 4 होता है, जो एंड वाली वैल्यू होती है,
वो काउंट नहीं होती है, उससे एक कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड वाले इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू ही प्रिंट होगी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या है, 1:5, तो 1 वाली होगी, 2 वाली होगी, 3 वाली होगी और 4 वाली होगी, 5 वाली नहीं होती है, इससे एक कम होता है, ठीक है, एंड -1। तो यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पे क्या आया, तो स्क्रीन पे आया जो इंडेक्स 1 पे रखा है, मतलब 2 रखा था, इंडेक्स 2 पे रखा था 3, इंडेक्स 3 पे रखा था 4 और इंडेक्स 4 पे रखा था 5, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्रीन पे आ गया 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब बात करते हैं टपल के एग्जाम्पल के बारे में। सो यहाँ भी बिल्कुल सेम है, अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं उसका इंडेक्स दूंगी और स्क्वायर ब्रैकेट में उसके इंडेक्स को मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ पे हमने टपल बना लिए, यहाँ पे हमने सर्कुलर ब्रैकेट का यूज़ किया, फिजिक्स केमिस्ट्री 1997 एंड 2000, उसके बाद टपल 2 में आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे स्क्रीन पे आ जाएगा, जब मैंने टपल 1 0 को एक्सेस किया तो 0 पे क्या रखा हुआ था, फिजिक्स, तो बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं 1 से 5 करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, 3, 4 और 5। तो मैंने बिल्कुल सेम एग्जांपल लिया था ये दिखाने के लिए कि इन दोनों में एक्सेस करने के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस आता है वो आता है आपके ऑपरेशंस पे, ठीक है, आप लिस्ट पे ही ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रिंग इन पाइथन इन डिटेल एंड एक्सप्लेन 5 स्ट्रिंग फंक्शंस। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है पाइथन में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और उसके बाद 5 स्ट्रिंग फंक्शंस को भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स रिप्रेजेंटेड इन द कोटेशन मार्क्स, ठीक है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है, हम सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोटेशन मार्क्स का मतलब यहाँ पे है कि डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे आप किसी भी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को लिख सकते हो, ठीक है। इन पाइथन वी कैन यूज सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। देखो पाइथन के अंदर आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, डबल भी, या फिर ट्रिपल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, डबल कोट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग इन पाइथन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क सिंस देयर आर वेरियस इनबिल्ट फंक्शन एंड ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड, ठीक है। तो स्ट्रिंग की हैंडलिंग करना एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क होता है, क्योंकि पाइथन में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स पे मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। इन केस ऑफ द स्ट्रिंग हैंडलिंग द ऑपरेटर प्लस इज यूज टू कनकैटिनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कनकैटिनेट मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देना, ठीक है। सो जब भी हमें दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना होता है तो उस टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं प्लस ऑपरेटर का, और इसे हम बोलते हैं कनकैटिनेशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसे, कनकैटिनेशन ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल देखो, हेलो क्या है, आपकी एक स्ट्रिंग है और पाइथन आपकी एक दूसरी स्ट्रिंग है। जब आपने इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में इस प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया तो आंसर क्या आएगा, आपको आउटपुट के तौर पे क्या मिल जाएगा, हेलो पाइथन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दोनों स्ट्रिंग आपस में जुड़ गई। जिस पॉइंट पे आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग एंड होगी वहीं से आपकी नेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द ऑपरेटर स्टार, ये क्या है, स्टार ऑपरेटर इज नोन एज रिपीटिशन ऑपरेटर, ये भी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, ठीक है। क्योंकि पाइथन के लिए बहुत सारे इनबिल्ट ऑपरेटर्स पहले से ही अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे स्टार क्या करता है, रिपीट करता है स्ट्रिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो स्ट्रिंग थी वो थी पाइथन। अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया पाइथन
मल्टीप्लायर इनटू बोल सकते हो टू, ठीक है। तो पाइथन इनटू टू का मतलब क्या हो गया कि पाइथन को दो बार लिखो, पाइथन को दो बार रिपीट कर दो, तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, पाइथन पाइथन। अगर मैं यहाँ लिखती फोर, तो यहाँ पे फोर टाइम्स पाइथन प्रिंट हो जाता, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम पाइथन में। स्ट्रिंग्स इन पाइथन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। यू कैन डिस्प्ले अ स्ट्रिंग लिटरल विद द प्रिंट फंक्शन, ठीक है। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए आप डबल कोट या आप सिंगल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ डबल कोट्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको लिबर्टी है, आप सिंगल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डबल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग लिटरल को डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे प्रिंट फंक्शन का। तो यहाँ हमने क्या किया, प्रिंट लिखा और इसके पैरेंथेसिस में, ठीक है, ये ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे मैंने लिखा डबल कोट्स में हेलो, और एक बार मैंने लिखा प्रिंट में सिंगल कोट्स में हेलो, तो दोनों ही टाइम पर स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ, हेलो हेलो। मतलब आप सिंगल कोट का इस्तेमाल करो या डबल कोट का इस्तेमाल करो, आपका आउटपुट बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं असाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। हम कैसे एक स्ट्रिंग को किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ये देखते हैं। असाइनिंग अ स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल इज डन विद द वेरिएबल नेम फॉलोड बाई एन इक्वल साइन एंड द स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपको स्ट्रिंग असाइन करनी है किसी वेरिएबल में, तो उसमें आप क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे और उस स्ट्रिंग को लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ए इज इक्वल टू हेलो। यहाँ पे हेलो एक स्ट्रिंग है जिसे मैंने स्टोर कर दिया ए नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे प्रिंट कर लिया मैंने ए को, तो स्क्रीन पे क्या आ गया, हेलो आ गया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाइथन लैंग्वेज में क्या होता है, जब भी हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उनके साथ हम कभी भी डेटा टाइप नहीं लगाते हैं। पाइथन अपने आप ही उसका टाइप आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू असाइन कर लेता है, ठीक है। तो पाइथन यहाँ पे अपने आप समझ जाएगा, जब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन कर दी, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, जो ए वेरिएबल है वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कभी इंट ए, कैर बी ऐसे नहीं यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स की। पाइथन में हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं। यू कैन असाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल बाय यूजिंग थ्री कोट्स। तो अगर आपको किसी वेरिएबल में एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग असाइन करनी है, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे थ्री कोट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, इक्वल टू लिखकर मैंने थ्री कोट में मल्टी लाइन, मतलब बहुत सारी लाइन में मैंने अपनी स्ट्रिंग को लिख दिया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार लाइन में मैंने अपनी स्ट्रिंग लिख दी, और यहाँ पे मैंने इसको स्टार्ट किया था थ्री कोट से और उसे एंड भी कर दिया थ्री कोट से, और उसके बाद प्रिंट ए कर दिया, तो स्क्रीन पे मेरा क्या आ जाएगा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो ये हम पहले ही देख कर आए हैं कि प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कंकैटिनेट में हम सिर्फ दो ही स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। तो मर्ज वेरिएबल ए विद वेरिएबल वी इनटू वेरिएबल सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वेरिएबल में हेलो स्ट्रिंग है, बी वेरिएबल में वर्ल्ड स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हो रहा है कि ए वेरिएबल को आपने मर्ज कर दिया बी वेरिएबल के साथ और उसके बाद असाइन कर दिया सी वेरिएबल में। तो जब मैं प्रिंट करूंगी सी वेरिएबल को ऑन द स्क्रीन, रिजल्ट आएगा हेलो वर्ल्ड। इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आता है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड एकदम साथ में लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा।
तो अभी तक हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है कि स्ट्रिंग क्या होती है पाइथन में और किस टाइप से आप स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन के पार्ट टू की, और यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस की या फिर स्ट्रिंग मेथड्स की। दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। तो फर्स्ट इज पाइथन स्ट्रिंग कैपिटलाइज, पाइथन स्ट्रिंग कैपिटलाइज मेथड। इन पाइथन द कैपिटलाइज मेथड कन्वर्ट्स द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग टू अपर केस लेटर एंड लोअर केसेस ऑल अदर करेक्टर्स इफ एनी। तो कैपिटलाइज मेथड देखते हैं क्या करता है, ठीक है। पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। सपोज आपकी स्ट्रिंग है माई स्कूल, आपके पास ये स्ट्रिंग है, आपको इस स्ट्रिंग पे कैपिटलाइज मेथड अप्लाई करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या हो जाएगा, जो आपका फर्स्ट करेक्टर है स्ट्रिंग का उसे ये कर देगा अपर केस लेटर में कन्वर्ट, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट करेक्टर था एम, तो इसने उसे अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, और कोई करेक्टर अगर अवेलेबल है तो उन्हें ये लोअर केस में कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड करेक्टर क्या है मेरा, एस, तो इसे इसने क्या कर दिया, लोअर केस में कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है उसका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट करेक्टर ही अपर केस में रहेगा, बाकी सारे करेक्टर्स लोअर केस में आ जाएंगे कैपिटलाइज मेथड का इस्तेमाल करके, ठीक है। ये स्मॉल एस है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं आगे, द कैपिटलाइज फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, ठीक है। इसके ब्रैकेट्स में कोई भी पैरामीटर नहीं जाता है, ये एक सिंपली ऐसे यूज होता है। अब बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ कैपिटलाइज मेथड की। तो सिंटैक्स का मतलब होता है किस टाइप से आप कैपिटलाइज मेथड को यूज करते हो अपने प्रोग्राम में। तो स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज मतलब जिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे आपको कैपिटलाइज मेथड परफॉर्म करना है, जिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे आपको कैपिटलाइज मेथड परफॉर्म करना है उस स्ट्रिंग को लिखेंगे पहले आप यहाँ पे, और डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप कैपिटलाइज लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल की। आपके पास स्ट्रिंग थी पाइथन इज ऑसम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटलाइज्ड स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज लिखा और इसको एक वेरिएबल में डलवा दिया, कैपिटलाइज्ड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवा रही हूँ, देखते हैं क्या। तो प्रिंट में मैंने लिखा ओल्ड स्ट्रिंग में स्ट्रिंग आ जाएगी, मतलब ओल्ड स्ट्रिंग में क्या आ जाएगी, जो मेरी पहली एक्चुअल स्ट्रिंग है, और प्रिंट करवा दिया कैपिटलाइज्ड स्ट्रिंग, और इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि इस मेथड से चेंज होके इस पर्टिकुलर वेरिएबल में आएगी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो स्क्रीन पे देखते हैं क्या आता है, ओल्ड स्ट्रिंग में आ गया पाइथन इज ऑसम, और जो कैपिटलाइज्ड स्ट्रिंग है उसमें देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये छोटा वाला पी था, लोअर केस में था, इसे क्या कन्वर्ट कर दिया अपर केस में, और बाकी सारे लेटर्स जितने भी थे वो सारे लोअर केस में होगा। जैसे कि यहाँ पे ए था और डब्लू था, ये दोनों किस में होगा, लोअर केस में होगा, मतलब स्ट्रिंग का सिर्फ पहला करेक्टर ही अपर केस में रहने वाला है, ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन के बारे में, पाइथन स्ट्रिंग टाइटल। द टाइटल मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड, अ टाइटल केस्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, टाइटल मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग में यूज होने वाले हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर देता है, और जो रिजल्ट होता है वो होती है एक टाइटल केस्ड स्ट्रिंग, ठीक है। ये डिफरेंस है बिटवीन कैपिटलाइज मेथड एंड टाइटल मेथड। कैपिटलाइज क्या कर रहा था, उस स्ट्रिंग का सिर्फ फर्स्ट करेक्टर अपर केस लेटर में कन्वर्ट करता है कैपिटलाइज, लेकिन टाइटल क्या करता है, स्ट्रिंग में यूज होने वाले हर वर्ड का फर्स्ट लेटर अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। द टाइटल मेथड रिटर्न्स द फर्स्ट करेक्टर ऑफ ईच वर्ड इज कैपिटलाइज्ड इफ द फर्स्ट करेक्टर इज अ लेटर, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट करेक्टर लेटर होगा तो उसे वो क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा। तो बात करते हैं सिंटेक्स की, द सिंटेक्स ऑफ टाइटल इज str डॉट टाइटल। एग्जाम्पल देखते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू माई फेवरेट नंबर इज 25, और फिर हमने क्या किया, प्रिंट लिखा टेक्स्ट डॉट टाइटल,
उसके बाद दोबारा से हमने टेक्स्ट वेरिएबल लिया और यहाँ पे एक दूसरी स्ट्रिंग असाइन कर दी, 234K3L2 मल्टीप्लाई 43 fun, और यहाँ पे फिर से हमने प्रिंट में टेक्स्ट डॉट टाइटल लिख दिया। तो देखते हैं स्क्रीन पे क्या आता है। जब हमने पहली स्ट्रिंग पर अप्लाई किया टाइटल मेथड को, तो स्क्रीन पे आया माय फेवरेट नंबर इज 25। अब यहाँ पे देखो, इस वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैपिटलाइज हो गया, इस वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैपिटलाइज हो गया, इस वर्ड का भी फर्स्ट करेक्टर कैपिटलाइज हो गया, और आई का भी, इसका भी फर्स्ट करेक्टर कैपिटलाइज हो गया, और 25 तो एक नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया, पहले क्या था, सिर्फ एम कैपिटलाइज था, एफ एन और आई नहीं था, लेकिन टाइटल फंक्शन की मदद से क्या हो गया, हर एक वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैपिटलाइज हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे क्या हुआ, 234 तो एज इट इज आ गया, अब के देखो कैपिटलाइज हो गया, 3 हो गया, एल 2 इंटू 43 एफ फन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर क्या हो गया, आपका कैपिटलाइज हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाइथन स्ट्रिंग स्वैप केस एंड रिप्लेस मेथड के बारे में। द स्ट्रिंग स्वैप केस मेथड कन्वर्ट्स ऑल अपर केस करेक्टर्स टू लोअर केस एंड ऑल लोअर केस करेक्टर्स टू अपर केस करेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। तो इसके नाम से ही क्लियर है, स्वैप केस मतलब केसेस को आपस में स्वैप कर दो। अगर आपके पास अपर केस करेक्टर्स है तो उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, और अगर आपके पास लोअर केस करेक्टर्स हैं तो उन्हें अपर केस करेक्टर्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है जी। तो यहाँ पे द स्वैप केस मेथड डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, ये कोई पैरामीटर नहीं लेता है। द सिंटेक्स ऑफ स्वैप केस इज स्ट्रिंग डॉट स्वैप केस। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस शुड ऑल बी लोअर केस, स्ट्रिंग डॉट स्वैप केस आपने यहाँ लिखा। फिर एक और स्ट्रिंग ली, दिस शुड ऑल बी अपर केस, स्ट्रिंग डॉट स्वैप केस आपने यहाँ प्रिंट करवा लिया। और फिर आपने दोबारा से एक और स्ट्रिंग ली, दिस शुड बी मिक्स्ड केस्ड, और स्ट्रिंग डॉट स्वैप केस आपने यहाँ पर लिख दिया। अब स्क्रीन पर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये तो आपने प्रिंट करवाया है, वो चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इनका रिजल्ट है। तो दिस शुड ऑल बी लोअर केस, तो जब हमने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट स्वैप केस लगाया, तो इससे क्या हो गया, जितने भी करेक्टर्स आपके अपर केस में थे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। देखा आपने, दिस शुड ऑल बी लोअर केस, तो सब लोअर केस में आ गए। नेक्स्ट में क्या हुआ, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स लोअर केस में थे वो किस में आ गए, अपर केस में आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस शुड ऑल बी अपर केस। अब यहाँ पे क्या था, दिस शुड बी मिक्स्ड केस्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो करेक्टर्स आपके थे लोअर केस में वो अपर केस में आ गए, और जो अपर केस में थे वो लोअर केस में आ गए। तो यहाँ पे टी क्या था, आपका अपर था, यहाँ पे लोअर हो गया, ऐसे सो ऑन सारे यहाँ पे चेंज हो गए, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, द रिप्लेस मेथड। द रिप्लेस मेथड रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग वेयर ऑल अकरेंसेज ऑफ द सबस्ट्रिंग इज रिप्लेस्ड विद द अनदर सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, सबस्ट्रिंग्स को आपस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग की जगह कोई और सबस्ट्रिंग वहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर इसके पैरामीटर्स देखते हैं, एक होता है ओल्ड, ओल्ड सबस्ट्रिंग यू वॉन्ट टू रिप्लेस, जिस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग, अब सबस्ट्रिंग क्या होती है, एक पूरी स्ट्रिंग का एक छोटा सा हिस्सा कहलाता है सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो जिस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग को आपको रिप्लेस करना है वो आपकी ओल्ड में आएगी। न्यू में क्या आ जाएगी, न्यू सबस्ट्रिंग विच वुड रिप्लेस द ओल्ड सबस्ट्रिंग, जिस सबस्ट्रिंग से आपको रिप्लेस करना है वो न्यू में आ जाएगी। काउंट में क्या आ जाएगा, ऑप्शनल है ये पैरामीटर, ठीक है। आपका काउंट क्या होता है, ऑप्शनल पैरामीटर होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स यू वॉन्ट टू रिप्लेस द ओल्ड सबस्ट्रिंग विद द न्यू सबस्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है, कितनी बार आपको ओल्ड सबस्ट्रिंग को रिप्लेस करना है न्यू सबस्ट्रिंग के साथ, काउंट आप यहाँ पे देते हैं। तो सिंटेक्स की बात करते हैं, str डॉट रिप्लेस ओल्ड कॉमा न्यू कॉमा काउंट, ठीक है। इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे तीन डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, सॉन्ग इज इक्वल टू कोल्ड कोल्ड
हर्ट। प्रिंट सॉन्ग डॉट रिप्लेस, अब आपने क्या करा, रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखो हम कोल्ड सबस्ट्रिंग को रिप्लेस करेंगे, आपका ओल्ड है और ये आपका क्या है हर्ट न्यू हो गया। और यहाँ पे हमने कोई भी काउंट नहीं लिया है, ठीक है, तो क्योंकि काउंट हमारा क्या होता है ऑप्शनल होता है, तो यहाँ पे कोल्ड रिप्लेस हो जाएगा हर्ट से। उसके बाद हमने दोबारा से एक और स्ट्रिंग ली है, लेट इट बी लेट इट बी लेट इट बी लेट इट बी, ओनली टू अकरेंसेज ऑफ लेट इज रिप्लेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। इसके बाद प्रिंट सॉन्ग डॉट रिप्लेस लेट डोंट लेट टू, मतलब जो लेट आपका ओल्ड सबस्ट्रिंग है वो रिप्लेस हो जाएगी डोंट लेट से, न्यू से। और यहाँ पे आपका काउंट कितना है, टू है, मतलब दो बार ऐसा होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आता है स्क्रीन पर, ठीक है। तो जब हमने फर्स्ट वाले को प्रिंट करवाया स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर क्या आ गया, हर्ट कॉमा हर्ट हर्ट। तो जहाँ जहाँ पे कोल्ड था वहाँ वहाँ पे क्या आ गया, हर्ट आ गया। और जब मैंने सेकंड स्टेटमेंट को रन करवाया तो स्क्रीन पर आ गया लेट इट बी डोंट लेट इट बी डोंट लेट इट बी लेट इट बी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे आपका लेट लिखा हुआ था, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका लेट लिखा हुआ था वहाँ वहाँ पे डोंट लेट आ गया। तो लेट एक आपका यहाँ था, एक आपका यहाँ था, एक यहाँ भी था, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे टू लिखा है तो बस दो ही बार रिप्लेसमेंट हो पाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डोंट लेट आ गया, यहाँ पे भी डोंट लेट आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है लेट ही है। और फर्स्ट तो आपका वैसे भी लेट रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो एल है वो अपर केस में था, ठीक है। तो दो जगह आपका जो लेट था वो रिप्लेस हो गया डोंट लेट से। तो इस तरीके से हमने स्वैप केस और रिप्लेस मेथड को भी समझ लिया, ठीक है जी। अब आगे बात करते हैं फिफ्थ मेथड की, पाइथन स्ट्रिंग इज अल्फा। द इज अल्फा मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट्स। अगर स्ट्रिंग में लिखे हुए सारे करेक्टर्स आपके अल्फाबेट्स हैं तो इज अल्फा मेथड क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। इफ नॉट इट रिटर्न्स फॉल्स, और अगर सारे करेक्टर्स अल्फाबेट नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। द इज अल्फा डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, इज अल्फा में कोई भी पैरामीटर नहीं आता है, ठीक है। रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द इज अल्फा, अब इज अल्फा क्या रिटर्न करता है ये समझते हैं। द इज अल्फा रिटर्न्स ट्रू कब आता है, ट्रू इफ ऑल द करेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट। अगर सारे करेक्टर्स स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स होंगे तो यहाँ पे ट्रू आएगा स्क्रीन पर, ठीक है। अब करेक्टर्स का मतलब क्या है, लोअर केस भी हो सकते हैं अपर केस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉल्स, फॉल्स कब आएगा, इफ एट लीस्ट वन करेक्टर इज नॉट अल्फाबेट। अगर एक भी सिंगल करेक्टर भी अगर अल्फाबेट नहीं होता है तो वहां पे फॉल्स आ जाएगा। इसका सिंटेक्स देखते हैं, द सिंटेक्स ऑफ इज अल्फा इज स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, नेम इज इक्वल टू मोनिका प्रिंट नेम डॉट इज अल्फा। अब यहाँ पे हैश में क्या है आपका, एक कमेंट है, कंटेन्स वाइट स्पेस, नेम इज इक्वल टू मोनिका गेलर प्रिंट नेम डॉट इज अल्फा। फिर नेम इज इक्वल टू एम ओ थ्री एन आई सी ए जी ई डबल एल टू टू ई आर, और उसके बाद नेम डॉट इज अल्फा। तो मैंने तीन बार अलग अलग स्ट्रिंग ली है और नेम में असाइन करी है। अब चेक करते हैं इज अल्फा मेथड क्या रिटर्न करता है ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो क्या आया, फर्स्ट टाइम क्या आ गया, ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आया, क्योंकि सारे करेक्टर्स जो यहाँ पे थे वो क्या थे, आपके अल्फाबेट्स थे। सेकेंड टाइम क्या आ गया, आपका फॉल्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया। तो वाइट स्पेस आ गया, वाइट स्पेस क्या होता है, कोई अल्फाबेट तो होता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। और थर्ड में तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट्स के साथ साथ बहुत सारे नंबर्स भी है, जैसे कि थ्री है टू है टू है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, आपका फॉल्स हो गया। तो इस तरीके से हमने स्ट्रिंग को समझा और उससे जुड़े हुए फाइव मेथड्स को समझा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, ठीक है। तो इस वीडियो का मोटिव यही है कि आप ये समझे कि किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को लिखकर आना है, कैसे आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का,
एक्सप्लेन कमेंट्स इन पाइथन विद एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आपसे पूछा गया है पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन कीजिए और साथ में उनके एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या उसका आंसर देंगे। कमेंट्स इन पाइथन कैन बी यूज टू एक्सप्लेन एनी प्रोग्राम कोड, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू हाइड द कोड एज वेल। ठीक है, तो पहले समझते हैं कमेंट्स का मतलब क्या होता है। हम पाइथन कोड में क्या करते हैं, कमेंट्स डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि अगर कोई भी पर्सन दोबारा से मेरे कोड को रीड करता है तो उसको समझने में आसानी हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो कमेंट्स का मतलब यही होता है कि पाइथन कोड को एक्सप्लेन करना, ताकि अगर कोई दूसरा यूज़र उसे रीड करता है तो उसको समझ में आ जाए कि मैंने किस फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया है। ठीक है, और कमेंट्स का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, कोड को हाइड करने के लिए भी करते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसे कोड लिख देते हैं अपने प्रोग्राम में जो हमें किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए नीडेड नहीं होते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, उन्हें कमेंट कर देते हैं ताकि वो लाइन वो स्टेटमेंट वहाँ पे प्रॉब्लम ना करे। ठीक है जी, कमेंट्स आर द मोस्ट हेल्पफुल स्टफ ऑफ एनी प्रोग्राम। कमेंट्स आर द मोस्ट हेल्पफुल स्टफ ऑफ एनी प्रोग्राम, इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द वे द प्रोग्राम वर्क्स। ठीक है, किस तरीके से आपका प्रोग्राम वर्क कर रहा है उसको समझाने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन पाइथन एनी स्टेटमेंट रिटन अलॉन्ग विद द हैश सिंबल। ठीक है, याद रखिएगा जो भी स्टेटमेंट हैश सिंबल से स्टार्ट होती है वो कहलाती है आपकी कमेंट। द इंटरप्रेटर डज नॉट इंटरप्रेट द कमेंट। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, जो भी प्रोग्राम कोड हम लिखते हैं उसे कोई तो रीड करता है, तभी तो उसका आउटपुट आता है, तो उसे रीड कौन करता है, इंटरप्रेटर उसे रीड करता है। और इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही क्या होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं। मतलब दोनों ही क्या करते हैं, सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड में, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, एक ही बारी में पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रन कराता है और जैसे ही उसे कहीं पे एरर मिलती है वो उसी टाइम पर क्या करता है, आपको एरर शो कर देता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इंटरप्रेटर कभी भी कमेंट को रीड नहीं करता है, वो कमेंट को पढ़ता ही नहीं है। ठीक है, कमेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बट इट एनहेंसेस द इंटरैक्टिविटी ऑफ द प्रोग्राम एंड मेक्स द प्रोग्राम रीडेबल। ठीक है, कमेंट्स क्या होते हैं, वो हमारे प्रोग्राम के कोई हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन हम कमेंट को लिख के क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम की इंटरेक्टिविटी बढ़ाते हैं। कई बार क्या होता है, हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और बहुत टाइम बाद उसे दोबारा यूज़ करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमने कौन सा फंक्शन किस लिए बनाया था, लेकिन अगर हमने कमेंट्स करे होंगे तो वहाँ पर हम पढ़ के पता कर लेंगे, ठीक है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है या फिर ये स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो कमेंट्स क्या करते हैं, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। अब पाइथन में क्या होते हैं, दो टाइप ऑफ कमेंट होते हैं। पाइथन दो टाइप के कमेंट को सपोर्ट करता है, फर्स्ट इज सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड इज मल्टी लाइन कमेंट। तो पहले बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। इन केस यूजर वॉन्ट टू स्पेसिफाई अ सिंगल लाइन कमेंट देन कमेंट स्टार्ट विद अ हैश। अगर किसी यूज़र को सिंगल लाइन कमेंट डालना है अपने प्रोग्राम कोड में तो वो इस्तेमाल करेगा हैश का। कमेंट स्टार्ट विद अ हैश एंड पाइथन विल इग्नोर देम। जो भी कमेंट, मतलब जो भी कमेंट की स्टेटमेंट हैश से स्टार्ट होती है उसे पाइथन क्या करता है, इग्नोर कर देता है। कमेंट्स कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द लाइन एंड पाइथन विल इग्नोर द रेस्ट ऑफ द लाइन। कमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइन के एंड में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और क्या करता है, पाइथन इस लाइन को पूरा इग्नोर कर देता है। कमेंट्स डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट टू एक्सप्लेन द कोड, इट कैन बी ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट पाइथन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग कोड। ये फ्रॉम है, तो ये हम देख चुके हैं कि कमेंट्स का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं करते, बल्कि कई बार क्या होता है, हम कोड को प्रिवेंट करने के लिए कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ये वाला कोड ना चले, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसे कमेंट कर देते हैं। तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो उसे रीड ही नहीं करता, तो वो चलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जांपल की। प्रिंट हेलो पाइथन, इससे पहले मैंने क्या किया, हैश करके क्या कर दिया, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल है,
तो स्क्रीन पे देखो क्या आता है, जब मैं इसे रन करती हूँ तो स्क्रीन पे आएगा हेलो पाइथन। यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट तो प्रिंट ही नहीं हुई, क्योंकि ये क्या है, एक कमेंट है, और कमेंट कभी भी इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड दिस इज कमेंट। अब यहाँ पे मैंने एंड ऑफ द लाइन कमेंट डाल दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर भी कोई भी आउटपुट में आपकी कमेंट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, स्क्रीन पे आएगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हैश प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है, मैं इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहती, तो कमेंट्स का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर कोड की एग्जीक्यूशन को प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। तो कमेंट्स का इस्तेमाल आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप सो। अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। मल्टी लाइन्ड कमेंट कैन बी गिवन इन साइड ट्रिपल कोट्स, ठीक है। ट्रिपल कोट्स के अंदर आप मल्टी लाइन कमेंट देते हैं, सिंस पाइथन विल इग्नोर स्ट्रिंग लिटरल्स दैट आर नॉट असाइंड टू अ वेरिएबल, यू कैन ऐड अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग ट्रिपल कोट्स इन योर कोड एंड प्लेस योर कमेंट इन साइड इट, ठीक है। तो देखिए पाइथन क्या करता है, उन स्ट्रिंग लिटरल्स को इग्नोर करता है जो किसी वेरिएबल को असाइन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट्स में अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो एज अ मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पे देखो ये दो नहीं है, यहाँ पे थ्री ट्रिपल कोट्स हैं आपके, ठीक है, ट्रिपल कोट्स हैं। दिस इज मल्टी मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। यहाँ पे इन्हें बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक कमेंट बन गया, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, हैश सिंगल लाइन कमेंट प्रिंट हेलो पाइथन, यहाँ पे फिर से ये दो नहीं है, ट्रिपल कोट्स में दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। तो आउटपुट में देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे ना तो सिंगल लाइन कमेंट प्रिंट हुआ, ना ही दिस इज मल्टी लाइन कमेंट प्रिंट हुआ, स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, हेलो पाइथन। तो इस तरीके से हमने समझा कि कमेंट्स का क्या यूज़ होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आज हमने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करे जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके सितंबर वाले पेपर में आ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जी एस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए जो भी सितंबर में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।